उस वक्त लाहौर के टॉप के बदमाश जो थे वो इस वक्त रहीला खादिम हुसैन के मुकाबले में खड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ वो भी उनकी चलाकी थी, रिजल्ट्स को चेंज किया, 100-150 वोटों का वो फ़र्क डाल सके इससे ज़्यादा नहीं। सस्ती रोटी हमने शुरू किया, बहुत कामयाब रहा, दो वक्त की रोटी जो थी 2 रुपये में मिलना बहुत बड़ी बात थी। आप पे एक इल्ज़ाम आया कि 2019 में कि आपने कोई बिजली चोरी की। विजिट चल रहा था तो सडन वो मेरे घर के बाहर क्योंकि बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन्होंने कहा जनाब ये किसके आप घर के बाहर से विजिट कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कोई MP मुस्लिम लीग नून की है रहीला खादिम हुसैन के, जल्दी से पर्चा काटो। दोपहर के वक्त अगले दिन मुझे फ़ोन आता है जनाब मीटर काट के ले गए हैं। रब्ता करने पे पता चला जी आप चोरी कर रही थी बिजली। अच्छा, मैंने कहा अच्छा क्या सबूत है आपके पास में बिजली चोरी कर रही थी। बहरहाल जज साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर फैसला किया, उसने कहा कि आप एक ऑनरेबल मेंबर के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसके घर के ऊपर बोर्ड लगा रखा था मियाँ नवाज शरीफ का, मियाँ शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का। अमरीका अफगानिस्तान में क्या लेने आया था? जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असेंबली जनाब रहीला खादिम हुसैन साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाई। थैंक यू जैद, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया जी। मैडम सबसे पहले सवालनामे का आगाज करते हैं आपके तालीमी सफ़र से, आपने तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए मैंने सेंट एंड्रयूज से मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि उसी दौरान शादी हो गई। अच्छा। और माशाल्लाह फिर यही सफ़र यहीं तक रहा। ये यहीं तक रहा। तो सियासत में कैसे आना हुआ, मतलब ये अच्छा। कोई पहले से प्री प्लान था क्योंकि आपकी जो वालदा हैं वो काउंसलर रहीं, तो ये वही खानदानी रिवायत थी या बस खुद से? देखिए बेसिकली मेरा ताल्लुक सियासी लाहौर की बड़ी नॉन फैमिली से है, ठीक है, और क्योंकि हम कश्मीरी फैमिली हैं तो हमेशा से हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है पाकिस्तान हो या कश्मीर हो उसकी सियासत के अंदर। तो थैंक्स टू मियाँ नवाज शरीफ, उन्होंने मेरी अम्मा को हमेशा जो है मौका दिया है कि वो कश्मीर की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने में रहा। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ हमने मुस्लिम लीग नून को भी वहाँ बड़ा परवान चढ़ाते रहे। जब मेरी मदर की डेथ हुई है 2001 के अंदर, तो उसके बाद मेरे अब्बा ने फैसला किया कि मेरी, हम 6 बहन भाई हैं, कि मेरी, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, कि अच्छा। तीसरे नंबर वाली बेटी को जो है वो आगे आना चाहिए। एक तो उसकी रीज़न ये थी कि कॉलेज स्टूडेंट में लाइफ जो थी मेरी पॉलिटिकल थी ज़रा, अच्छा। मैं सियासी बड़ी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया करती थी, कॉलम लिखना अपने मैगजीन्स के अंदर, अम्मा को स्पीचेस लिख के देना, तो इसलिए शायद उन्होंने देखा कि काबिलियत है मेरी बेटी के अंदर कोई ऐसी सियासी, बाकी सब भाई और बहनें तो अपने अपने बिजनेस के अंदर रहे, लेकिन इसके लिए उन्होंने फिर मुझे चुना और अम्मा के चेहलम पे फिर उन्होंने अपना इनहेरिटेंस मेरे हवाले की कि बेटी को आगे करना चाहिए। तो उन्होंने काउंसलर तक का इलेक्शन लड़े, तो आप MPA और वाहिद MP हैं जो 3 दफ़ा जो है वो मुसलसल नून लीग की जो है हमायत हासिल हुई आपको और आप रिजर्व सीट पे, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? पहली दफ़ा MPA जो आप हुई तो उसके पीछे बेस क्या थी? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी और उसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, कि उन्होंने हमेशा मेरे पे एतमाद किया। एक तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड के अम्मा के साथ बहुत एफिलिएशन थी जमात की और उनकी वफ़ात के बाद सबसे मैंने लाहौर में नाजिम का इलेक्शन कंटेस्ट किया, ठीक है, तकरीबन 150 या 125 वोटों से मैं हार गई, बट उस वक्त मैं नून लीग की यहाँ पर उम्मीदवार थी लाहौर के अंदर। अच्छा, अच्छा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब हमेशा मुझे ये बड़ा इनक्रेज किया करते थे कि रहीला इस वक्त जीत और हाथ मान ही नहीं रखते, मुशरफ का दौर था, डिक्टेटर था, सारी लीडरशिप एग्जाइल के अंदर थी, ये मान ही नहीं रखता तुम्हारी हार या जीत, इस वक्त तुम्हारी स्टैंडिंग जो है वो मान ही रखती है हमारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस इम्तिहान में पूरी उतरी और मैंने वो इलेक्शन लड़ा, उस वक्त लाहौर के टॉप के बदमाश जो थे वो इस वक्त रहीला खादिम हुसैन के मुकाबले में खड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ वो भी उनकी चलाकी थी, रिजल्ट्स को चेंज किया, 100-150 वोटों का वो फ़र्क डाल सके इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बहरहाल उसके बाद 2007 के अंदर वैसे मैं अप्लाई किया मैंने उसको कि मुझे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने में, उस वक्त हमारा PP होता था 144, ठीक है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब इस बात को बहुत पसंद करते थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत मुझे इनक्रेज किया करते थे, हालांकि वो एग्जाइल में थी हमारी लीडरशिप, और मेरी डायरेक्ट उनके साथ अभी इंट्रैक्शन नहीं था कि वालदा की वफ़ात उनके एग्जाइल में हुई,
तो लेकिन वो थैंक्स कि उन्होंने बड़ा मुझे हमेशा इनक्रेज भी किया, शाबाश भी दी और मुझे आगे बढ़ने का हौसला भी देते रहे। तो 2007 में फिर मियाँ शबाशी साहब ने, नवाशी साहब ने मुझे टिकट दी रिज़र्व सीट के ऊपर। चाहती तो मैं यही थी कि मुझे डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन उनकी मेहरबानी उन्होंने मुझे रिज़र्व सीट्स के ऊपर रखा। और फिर मैं 2008 में पहली दफ़ा, क्योंकि 8 में चले गए थे इलेक्शन 7 के बजाय, तो वो पहली दफ़ा मैं वहाँ पर इलेक्ट होके आई। फिर उसके बाद शबाशी साहब ने मुझे 2013 में भी मौका दिया, उन्होंने दोबारा, ज़ाहिर है मेरे साथ, मैं उनके मियाँ नवाशी साहब के हलके की हमेशा मैं इंचार्ज रही हूँ, उस वक्त वो NA 123 था। तो मुझे ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे लीडरशिप के साथ हमेशा काम करने का मौका मिला, लेकिन ऑफिसेस के अंदर नहीं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कारकुनों के साथ रابطہ रखना, खुद भी कारकुन थी, सो मेरे लिए बहुत आसान रास्ता बना था। 3 दफ़ा आप MPA रहीं, 2 दफ़ा आपकी हुकूमत थी, पहली दफ़ा पंजाब में, फिर ओवरऑल पाकिस्तान में, इस दफ़ा नहीं है हुकूमत। तो हुकूमती बेंचों पे बैठना और अपोजिशन वाली जगह पे बैठना, ये कैसा है, इसमें दोनों में फ़र्क कैसा महसूस करती हैं? ये भी एक मेरी खुशकिस्मती थी कि 2 दफ़ा जब हम हुकूमत में पंजाब के अंदर रहे तो मियाँ शबाशी साहब हमारे लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, मुझे डायरेक्ट मौका मिला उनके साथ काम करने का, ठीक है, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो जो उनकी मिसाल है ना कि वो जो है 18-18 घंटे काम करते थे, तो 18 घंटों में से तकरीबन 16 घंटे तो हम लाजमी स्टैंड बाई रहते थे कि शबाज साहब जो था, बिल्कुल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई, नो डाउट, वो आज भी हमारा काम बोल रहा है। और उनके साथ मुख्तलिफ कमेटियों का मैं हिस्सा रही, जैसे सस्ती रोटी हमने शुरू किया, बहुत कामयाब रहा, 2 वक्त की रोटी जो थी 2 रुपये में मिलना बहुत बड़ी बात थी। अगर आज आप सोचें कि उस वक्त वो जो इनिशिएटिव लिया गया था, वो यकीनन किसी बहुत बड़े लीडर की ही वो हो सकता था दिमाग के अंदर कि गरीब को 2 वक्त की रोटी मिले और वो 2 रुपये की सस्ती रोटी ले सके। सो वो उसमें भी रही, ड्रग फ्री लाहौर के लिए बहुत हमने काम किया, खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम किया। सो मुझे उनको बहुत मौका मिला, लेकिन हुकूमत के अंदर आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, आपने हर सेक्टर को बड़ी बारीक बीनी से देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हुआ पड़ा था पंजाब के अंदर, इदारे प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, सो हमें एक नए सिरे से उस काम को शुरू करना पड़ा, हमने उसका बेड़ा उठाया। और जो है 18 तक जो 10 साल थे पंजाब के, उसकी परफॉर्मेंस अगर आप उठा के देखें, आप पिछले कई सालों की देख लें और आज के ये 3 साल देख लें, आपको शहबाज शरीफ का किया हुआ काम आज भी वाज़ह तौर पे नज़र आता है। उसी के किए हुए डेवलपमेंट काम को आज 3 साल बाद ये ना करने के बाद बावजूद उसी को आगे बढ़ाना पड़ रहा है। सो हुकूमत में रहते हुए आपके पास जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, आपको जवाबदेह होने पड़ता है। अपोजिशन के अंदर आपकी जिम्मेदारी कुछ और हो जाती है, आपने एक क्रिटिकल अपना नज़र रखनी होती है सब काम के ऊपर। और ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी नालायक हुकूमत मिली है, अच्छा, जो काम नहीं कर सकती, जो काम करना गुनाह समझती अपने लिए। सो आई फील प्राउड कि मैंने शबाशी साहब के साथ काम किया। आज जब मैं अवाम के अंदर जाती हूँ, जैसे आज भी हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं बड़ा प्राउडली लोगों को बता सकती हूँ कि भाई हमने काम किया, वो हम के पीछे शबाज शरीफ मौजूद हैं। सो मैं बहुत प्राउडली अपने लीडर का नाम लेती हूँ और कहती हूँ कि देखें हमारे नवाज शरीफ के काम किए हुए, हमारे शिकार जाता था, रोड्स नहीं बनने से रोटी नहीं मिलती। दुनिया का ये एक सिस्टम है जहाँ पर आप सड़क बना देंगे वहाँ स्कूल भी आएगा, दुकान भी खुलेगी, ट्रैफिक चलेगी, बच्चे आपके स्कूल मंडियों तक रसाई हो जाएगी, तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। आज से क्या हमारी मोटरवेज को बातें करते हैं, आज उन्होंने ताज़ा एक इफ्तिताह कर दिया सियालकोट से एक नई मोटरवे का और कह दिया जनाब आज सड़कों से हम तरक्की की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो ये विजन तो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का, उनके किए हुए काम आज अगर ये 3 साल बाद कंटिन्यू करेंगे तो जो 3 साल का गैप आया वो पाकिस्तान को बहुत पीछे ले गया, वो पंजाब को बहुत पीछे धकेल के चला गया। हमने जितने नए इदारे बनाए थे आज वहाँ पर जंगलात बन गए। मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगी ये जो आज बार बार बात कर रहे हैं ना, वुमेन की हेरेसमेंट हो रही है, रेप केसेस बढ़ गए हैं सड़कों के ऊपर, लाहौर में मेगा सिटी है उसके अंदर ख़वातीन का चलना मुश्किल महाल हो गया। तो आप याद करें मियाँ शबाज शरीफ साहब ने वुमेन प्रोटेक्शन बिल लेकर आए जिसके ऊपर खूब अवेला हुआ, लेकिन अगर आप देखें तो वो बिल कितना शानदार था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने प्रॉपर इदारे बनाए, मुल्तान के अंदर क्राइसिस सेंटर बनाया, आज वो बंद पड़ा है, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हेल्पलाइन थी वो बंद पड़ी है ख़वातीन की हिफाजत के लिए, डायरेक्ट हम ख़वातीन को 2013 से 18 तक 25,000 ख़वातीन को डायरेक्ट पॉलिसी मेकिंग में लेकर आए, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में किसी भी सूबे का कि वो ख़वातीन को इतनी मौका मिला है एम्पावर होने का। मैडम
नवाज शरीफ साहब जैसे लीडर जो कि वज़ीर आज़म रहे उनके हल्के में ग्राउंड लेवल पे कम्पेन करना वो आपकी ज़िम्मेदारी होती थी, इसी तरह से और भी बहुत से बड़े लीडर्स जो हैं उनकी कम्पेन, अब हमजा शहबाज शरीफ साहब, अब हमजा शहबाज शरीफ हैं, तो ये कैसे होता है? क्योंकि उन लोगों के पास उस कदर वक्त नहीं होता जिस कदर शायद आम आवाम चाह रही होती है एक अपने एम एन ए एम पी ए से, तो आप वो सारी चीज़ें हैंडल करती हैं, तो वो किस आपको कैसे महसूस होता है? मुश्किल होती है या कोई आसान चीज़ है ये कि एक बड़े लीडर को एक तरह का रिप्लेस करना है आपने ग्रास रूट में? नहीं, रिप्लेस नहीं होता उसमें। देखिए, एक तो ये खूबी है लीडरशिप के अंदर कि वो अपने ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर ख़ास तौर पे हैं वो डायरेक्ट उनके साथ रबते में होते हैं। ठीक है, इसलिए ये कहना वो सियासतदानी में उसको नहीं मानती जिसका अपने वर्कर के साथ रबता नहीं है। यकीनन उसका रबता होगा तो आज तक आप लाहौर को बीट नहीं कर सके, आप उसको हरा नहीं सके। आपको आज भी कोशिश करनी पड़ती है कि हम किस तरह से मेगा सिटीज़ के अंदर अपना होल्ड कायम करें। आपकी हुकूमत है 3 साल से, आप बल्दियात के इलेक्शन नहीं करा पा रहे कि जनाब आप जीत नहीं सकेंगे। मींस पंजाब के अंदर इतना ज़बरदस्त रबता है तमाम लीडरशिप का अपने कारकुनान के साथ कि वो वन सिंगल कॉल के ऊपर भी अपने लीडरशिप के साथ रबते में रहते, ख़ासतौर पर जिन जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर वो होते हैं। सो ये तो बड़ा आसान काम है हमारी पीएमएलएन के लीडरशिप के साथ कारकुनान का रबता। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ जो पीएमएलएन के बारे में और पीपल पार्टी के बारे में कही जाती है कि ये कोई ख़ानदानी तासुब है इन जमातों में, जो कि एक राय है लोगों की, लेकिन आप जैसे लोग जो कि किसी तरह से ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं रखते पॉलिटिक्स में और वो मेन जो हैं वो इनके फेसेस जो हैं नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनकी आप कंपेन लॉन्च करी और मुसलसल 3 दफ़ा आप एमपी हो रही हैं, तो ये तजाद नहीं है कि लोगों के राय से मुख्तलिफ चीज़ ये नहीं है कि वो कहें कि ख़ानदानी है लेकिन ये ख़ानदानी तो नहीं लगता जब आप जैसे लोग जो हैं मेरे जैसे बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो इस वक्त मेन जो है स्ट्रीम के अंदर काम कर रहे हैं पीएमएलएन की, उसकी एग्जांपल्स बेतहाशा हैं, आप किसी को भी उठा के देखें। और जब आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे होते हैं ना जैन, तो फिर आपको कोई मार नहीं सकता। और फिर स्पेशली मैंने तो आपसे कहा मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे डे फर्स्ट से लीडरशिप के साथ काम करने का मौका मिला, तो जो मेरे साथ लोग काम करते हैं यकीनन उनका भी अपनी लीडरशिप के साथ डायरेक्ट रबता होता है, तो ये कोई खुला तजाद वाली तो बात नहीं है। खैर मेरे पास भी एक सियासी बैकग्राउंड है, ठीक है, लोग इज्जत करते हैं, आपने इज्जत कमाई हो, करप्शन ना की हो, तो यकीनन लोग इज्जत करते हैं। आज मेरे ख़ानदान का नाम आज भी उसी तरह लोग इज्जत के साथ लेते हैं। और अभी रिसेंटली शबाशी साहब ने एक मीटिंग ली और उन्होंने 35 साल पहले जो उनकी कंपेन लॉन्च हुई थी जो मेरी वालदा साहबा ने की थी, तो उसका उन्होंने बड़ा जिक्र किया और वो बड़ा सरप्राइजिंग था सबके सामने कि 35 साल पुरानी भी कंपेन शबाशी साहब को सारी जो था वो उसको याद थी और उन्होंने उसको मेमोरीज को अपना रिफ्रेश किया सबके साथ। ठीक ठीक, तो मैडम करप्शन की बात कर रही हैं आप, तो इस टेन्योर में पीटीआई के टेन्योर में नून लीग पे ख़ास तौर पे काफ़ी इल्ज़ाम आता है, जैसे राणा सनाउल्लाह साहब का केस, आप पे एक इल्ज़ाम आया कि 2019 में कि आपने कोई बिजली चोरी की। हाँ, उस इल्ज़ाम में कैसा? अच्छा, जैन में आपका बड़ी शुक्रगुजार हूँ आपने ये बात की। अच्छा, वो FIR मेरे पर कटी। ठीक है, उस वक्त जो था इसका पोर्टल चलता था, यस, अच्छा अच्छा, उन्होंने अपना एक पोर्टल बनाया हुआ था, वो अपना एक विजिट पर आए। ठीक है, एक मैं अब आपको अंदर की, क्योंकि मेरा उसका फैसला हो चुका है तो लिहाजा मैं उसको ओपनली कोर्ट का केस, हाँ फैसला थी। अच्छा, तो वो पोर्टल पे चल रहा था केस, वो विजिट चल रहा था, तो सडन वो मेरे घर के बाहर क्योंकि बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन्होंने कहा जनाब ये किसके आप घर के बाहर से विजिट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई MP है मुस्लिम लीग नून की है राहिला खादिम हुसैन के, जल्दी से पर्चा काटो। कहता सर किस बात का? ये तुम्हारी सर दर्द। अच्छा, ये तुम्हारी सर दर्द। अच्छा ठीक है, अच्छा जी। उन्होंने जनाब अगले विजिट करके चले गए, खूब पानी शानी पे बोला, 20-25 लोग थे, उन्होंने बाहर मुलाकात की मेरे और घर से लोग जो बाहर निकले, उस समय घर पर भी नहीं थी, और उन्होंने कहा अच्छा पानी शानी पिलाया, चाय शाय पिलाई, चले गए। दोपहर के वक्त अगले दिन मुझे फ़ोन आता है कि जनाब मीटर काट के ले गए हैं। अच्छा। क्यों काटे हैं कोई पता नहीं। मैंने उसको पूछा अपने सर्वेंट को कि बिल जमा कराया हुआ, उसने कहा जी बाजी हो, तो मैं पहली डेट्स में ही करवा दिया था। मैंने कहा नहीं, अब ऐसे झूठ बोल रहा है, ऐसे बिल नहीं जमा कराया हुआ। मैंने कहा अच्छा। मैं वापस घर आई तो वो जनाब उन्होंने बिल पेड था, रबता करने पे पता चला जी आप चोरी कर रही थी बिजली। अच्छा, मैंने कहा अच्छा क्या सबूत है आपके पास में बिजली चोरी कर रही थी? उन्होंने कहा जी नहीं, बस वो बस हमने आपके मीटर्स उतार लिए हैं, वो तब हम चेक करेंगे आपका ऐसे चोरी कर रही।
बहल जो उन्होंने कोर्ट में केस चला, और अगर आप मेरा उसका फैसला कभी आप उसको पढ़ लें, जस्टिस साहब ने जो फैसला किया वो इतना शानदार था, 2.5 साल बाद मेरे केस का फैसला हुआ। अच्छा। और उसके अंदर उन्होंने लिखा, उन्होंने मांगा पुलिस से, वापडा वालों को तलब किया और उनको कहा जनाब दे बरामदगी जो हुई, मीटर्स बताइए। तो मीटर के नंबर्स वही लगे हुए थे जो मेरे घर से उतार के लाए थे। उन्होंने कहा आप तो कह रहे हैं उसके अंदर लिखा है आपने कि मीटर आपने फेक उतारा है, वहाँ कोई लगा हुआ था। अच्छा। वो मीटर किधर है? सर वो तो हमें नहीं दिया वापडा वालों ने। अच्छा। एसएचओ ने कहा, वापडा वालों से पूछा, वो सर मेरे हिसाब का लाएंगे। लिहाजा ये करते करते उन्होंने 2.5 साल निकाले। उसने कहा कोई तार बरामद हुई है, कोई मीटर लेकर, मेरे घर में 2 मीटर लगे हुए हैं, एक राइट को एक लेफ्ट को, वो दोनों मीटर उनके कब्जे में हैं और उसके अंदर से चोरी, जाहिर है कुछ था नहीं उसके अंदर से, चोरी कहाँ से बरामद करते इसके अंदर। बहरहाल जज साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट उसके ऊपर फैसला किया, उसने कहा कि आप एक ऑनरेबल मेंबर के ऊपर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसने घर के ऊपर बोर्ड लगा रखा था मियां नवाज शरीफ का, मियां शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का, आपने इस बात की उसको सज़ा दी है, यह घर भी मेरे नाम नहीं है, FIR तुम मेरे नाम कैसे, रहीला के नाम से कैसे काट सकते हो, वो घर मेरे नाम नहीं है, वो मीटर मेरे नाम नहीं था, तो तुम उसके नाम से कैसे FIR, भाई जिसके घर नाम घर उसके नाम है ये मीटर उसके नाम FIR करें। बहरहाल वो साबित नहीं कर सके क्योंकि कुछ था नहीं ना उनके पास चोरी का। उन्होंने कहा जी यही 2 मीटर उतारे हमने। उन्होंने कहा इसमें से कोई चोरी बरामद हुई? अगर नहीं, कोई नॉन पेमेंट इसकी कहता, वो भी कोई नहीं, हर महीने बिल पे होता है भाई। जिस मीटर का 50 से 60 हज़ार रुपये आप हर महीने का पे कर रहे हो एक मीटर का, वो चोरी कहाँ से करेगा बिजली? मेरा वो घर है, ठीक है, मैं कोई वहाँ फर्नेस तो नहीं चला रही। बहरहाल अदालत का शुक्रिया कि उसने इंसाफ किया और उन दोनों को सरजनिश की। ठीक ठीक थी। मतलब ये है कि आप उस केस में बाइज़त बरी हुई और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का लिखा गया फैसला कि आपने उसे सियासी बुनियादों पे आपने उसको विक्टिमाइज किया। नून लीग के दौर में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग पे एक कमेटी बनी, स्टैंडिंग कमेटी, आप उसकी चेयरपर्सन हुई, वो ना तो किसी और सूबे में बनी ना अभी तक भी नहीं बनी। और एक तो ये बताएं उनकी वर्किंग क्या है, और दूसरा ये कि आपके टेन्योर में क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आपको लगता है कि इस दफ़ा स्पेस है? देखिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग को 2013 में बनाया गया, ठीक है, उसमें शिवाशी साहब का एक विज़न शामिल था, ठीक है, कि क्योंकि ख़वातीन को लेकर के हमें ऐसे कवानीन बनाने चाहिए, इनको एक अलहदा भी काम करने का एक स्पेस देनी चाहिए जहाँ पर ये अपने लिए एक कवानीन को बना सके और जिसमें ख़वातीन जो है वो उसका रोल प्ले करें, ठीक है। सो पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया और असम्बली के अंदर जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की एक स्टैंडिंग कमेटी को क्रिएट किया गया, ठीक है, और वो उसका चेयरपर्सन शबाशी साहब ने मुझे बनाया कि ख़वातीन, लिहाजा उसके अंदर हमने स्टेटस ऑफ द वूमेन जो था वो उसके अंडर था, प्रोटेक्शन बिल हमने उसके अंदर बहुत हेल्प की, ठीक है। तो सो प्राउडली हम उसको जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की स्टैंडिंग कमेटी थी जिसके अंदर हमने लेजिस्लेशन करते रहे, असम्बली में बिल्स आते रहे और ख़वातीन के लिए बहुत सारे कवानीन हमने बनाए, जो हमारा मकसद था हम उसमें कामयाब हुए कि ख़वातीन खुद से अपने लिए कवानीन बनाएं जो कि सोसाइटी में मूव करें और वो लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकें। सो हम उसमें कामयाब रहे। ये हकूमत उस तरह से स्टेटस ऑफ द वूमेन बंद है, अभी तक उसकी चेयरपर्सन नहीं बनी। अच्छा। मैं कोई 3 साल हो गए हैं मैं, क्योंकि उसने हर साल अपनी कारकर्दगी स्टेटस ऑफ द वूमेन ने अपनी असम्बली को रिपोर्ट देनी होती है। प्रिविलेज मोशन में मूव कर रही हूँ कि बार बार के आप प्रिविलेज ब्रीच कर रहे हैं, आप अभी तक वो नहीं पेश कर सके रिपोर्ट, ठीक है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। इसी तरह क्राइसिस सेंटर जो मुल्तान पे है, वुमेन अथॉरिटी है, सोशल वेलफेयर है, सब काम बंद पड़ा है। सो इस हुकूमत ने ख़वातीन को लेके कोई ऐसे इकदामात नहीं किए जिसका मैं यहाँ बैठ के कहूँ, वो जो हमने किए थे, जो कवानीन बनाए थे, जो इदारे बनाए थे, वो भी बंद कर वो रुक गए, वो भी रुक गए, जिसका नहायत अफसोस है। जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पसंदीदा। इसमें मैडम से हम मुख्तलिफ पसंदीदगी के बारे में पूछेंगे। मैडम तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार हूँ। नाम, पसंदीदा नाम, पसंदीदा नाम, नाम से क्या मतलब हुआ? कोई भी नाम जो आपको पसंद हो सबसे ज़्यादा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह? लाहौर। लाहौर पसंद, बेस्ट प्लेस है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह, मैं दुनिया के किसी कोने में भी हूँ जो लाहौर एयरपोर्ट उड़ता तो क्योंकि शुभ कर रहा है अपना लाहौर आ गया। लाहौर है। खाना? खाना कश्मीरी फैमिली है तो जाहिर है अच्छा लगता है सब चीज़ें। नहीं नहीं ज़्यादा खाना नहीं, अच्छा खाना, क्वालिटी फूड, क्वालिटी फूड, ठीक है। खेल? क्रिकेट एंड लॉन टेनिस अच्छा लगता है। ठीक है, क्रिकेट अच्छी लगती है। इमरान खान साहब?
ना आप उसका नाम ना ले। ठीक है, फिल्म? फिल्म मुझे डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी लगती हैं। ठीक है, वो अगर ख़ास तौर पर जैसे पैरामिड्स के ऊपर बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज हों, समंदर की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हो, सहराओं की बनी हो, तो मैं उसको बहुत शौक से देखती हूँ। ठीक ठीक ठीक। एक्टर? एक्टर हाँ, राज कपूर, दिलीप कुमार, इस टाइप के लोग हमेशा उनकी एडवाइज किया कि अच्छा ठीक है, ये इनकी मूवीज़ में कुछ लेसन होता था। ठीक ठीक। फिल्म? फिल्म फिल्में सारी पुरानी अच्छी लगती। अच्छा। अब मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, बट ओके, वो अब ज़माना वो आ गया कि एक आपके क्लिक के ऊपर आपके पास असेस है, तो यकीनन उनकी स्टोरीज अच्छी होती थी। आजकल तो मटेरियलाइज है सब चीज़ें, मज़ा नहीं आता। किताबें पढ़ना? अच्छा। अभी मैं मुस्तनसर हुसैन तारिक की बहुत, मैं उसकी फ़ैन हूँ, मेरे पास उसके सारे सफ़रनामे। अच्छा। और मेरी हॉबी है, मैं उसको बार बार भी पढ़ूँ ना तो मैं बोर नहीं होती। शहाबनामा मैं बहुत शौक से पढ़ती हूँ। अच्छा। किताबें मुस्तनसर की? किताब नांगा पर्वत। नांगा पर्वत ये मुस्तनसर की बहुत खूबसूरत किताब है। ठीक ठीक। सियासतदान? मियां मोहम्मद नवाशी। नवाशी साहब ग्रेट लीडर। अच्छा। प्रोफेशन मौजूदा के अलावा? प्रोफेशन मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं चाहूँगा मैं कोई और बिजनेस भी इसके अलावा करूँ, तो मैं चाहूँगी कि मैं अपना कोई बुटीक रन करूँ। बुटीक रन करना आपका? जी ठीक। जितना दिन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हाँ या ना। इसमें जिस सवाल का जवाब हाँ होगा मैडम ना कहेंगी, जबकि जिस सवाल का जवाब ना होगा मैडम हाँ कहेंगी। मैडम तैयार हैं आप? मैं तो तैयार हूँ, कि ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे मैं चाह रही हूँ मैं हाँ कहूँ, आप कह रहे हैं नहीं कहो। अच्छा नहीं, तो ये ऑडियंस को भी पता है कि आप हाँ वाले पे ना कहेंगे। नहीं, खैर मुश्किल। दो और दो चार होते हैं? नहीं नहीं होते, पाँच सात होते होंगे। ठीक है। उस्मान बुज़दार साहब आपके खालाजाद भाई हैं? खालाजाद भाई हैं। ठीक। नहीं है ना? हाँ, नहीं है ना। ताजमहल शहबाज शरीफ साहब ने बनवाया? हाँ हाँ। तो मेट्रो शाहजहां ने बनवाई होगी? हाँ। आपने बड़ा मुश्किल में डाला है मुझे। अगला इलेक्शन आप पीटीआई से लड़ेंगी? मैं तो नहीं लड़ती उससे, उस जमात से, खुदा का नाम है, बहुत जूते पड़ने वाले उस जमात को, लेकिन मुझे यहाँ पर आपके मुताबिक हाँ कहना है। चल ठीक है। नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे? आ तो वो इंशाल्लाह रहे हैं, आपके मुताबिक नहीं। मेरे मुताबिक वो नहीं आ रहे। अच्छा ठीक। आप बॉक्सिंग चैंपियन भी रही हैं? आपके मुताबिक हाँ, वैसे मैं नहीं रही। अच्छा, फिर हो जाए मुकाबला फिर दौस साहिबा के साथ? खुदा के लिए मेरा वो तो अच्छा रखो। अच्छा, हरीफ तो अच्छा रखो। अच्छा ठीक ठीक। मरियम नवाज साहिबा अगली वज़ीर-ए-आज़म? आपके मुताबिक मुझे क्या कहना चाहिए? जो आप कह रहे हैं नहीं, तो वैसे मैं कहती हूँ बिल्कुल वैसे वही हैं। शहबाज शरीफ साहब का नहीं चांस है? देखिए ये डिपेंड करता है मियां नवाज शरीफ के फैसले पे। हमारी पार्टी के अंदर बहुत डिसिप्लिन है। ठीक है। अगर किसी की ये खाम ख्याली है कि जनाब ये लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो वो उसे खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक ठीक ठीक। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगले वज़ीर आज़म हैं? अगर उन्होंने सोचा है ऐसा तो हाँ। ये पीडीएम का मुश्तरका फैसला है? आपके मुताबिक हाँ, मेरे मुताबिक। मेरे मुताबिक हाँ। ठीक है मैडम। जी तो नाज़रीन बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहला बाद में। इसमें मैडम पहले सवाल का जवाब नहीं देंगी, जबकि दूसरे सवाल का जवाब वो देंगी जो पहले का था, इसी तरह से तीसरे का वो जो दूसरे का था। मैडम तैयार हैं आप? तैयार हैं। पीडीएम के चेयरमैन कौन है? स्किप। स्पीकर कौमी असम्बली कौन है? मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान साहब स्पीकर कौमी असम्बली, वैसे तो उन्हें इस दफ़ा असम्बली आने का मौका ही नहीं मिला। पीटीआई के चेयरमैन कौन है? असद कैसर। असद कैसर साहब ने पीटीआई की चेयरमैनशिप ले ली है, इमरान खान साहब ने इस्तीफा दे दिया। हो गए। नून लीग का तर्जमान कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब नून लीग की तर्जमानी करते करता भी है, करता भी है। आपको लगता है कि उनके जो काम करने का, नहीं नहीं, वो हमारी पब्लिसिटी के लिए बहुत काम करता है। शेर की खाला कौन है? अच्छा ये मुश्किल में डाल दिया मैंने। शेर की खाला कौन है? मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब पहले। हाँ ओके। ये शेर जो नून लीग वाला शेर है, इंतखाबी निशान जो आपका शेर है, वो खैर इंतखाबी निशान के ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। शेर की खाला। अच्छा, पंजाब की सबका वज़ीर-ए-इत्तला'आत कौन है? बिल्ली। बिल्ली है।
इतनी बड़ी बिल्ली। अमेरिका अफगानिस्तान में क्या लेने आया था? फरदोशाह शिकवा साहिबा को लेने के लिए 20 साल की वारंटी, जद्दोजहद की अमेरिका। ठीक है, तलाल चौधरी साहब आयशर अजब बलोच के घर क्या करने आए? वारंट टेरर करने गए थे। ठीक है, अमरीकी फौजी पाकिस्तान क्या कर रहे हैं? तंजीम साजी कह रहे हैं कि फिर से अफगानिस्तान जाएंगे या। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मुश्किल सवाल थे लेकिन आपने बड़े अच्छे से टैकल किया। हमारे साथ मौजूद थी रहीला खादिम हुसैन साहिबा, जो कि 3 दफ़ा MPA रही हैं PML की रिजर्व सीट पर, और उन्होंने बहुत से काम किए, जो जो उन्होंने कारनामे किए उन्होंने आपको बताया प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल नामे के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हामिद।